ओह अरे इतनी सारी मिस्ड कॉल। हेलो जी मामा। रिदा, रिदा मैं बहुत परेशान हूँ। जायदा हमें छोड़कर चली गई है। तुम आ जाओ मेरे पास। जायदा आपा चली गई हैं, मगर क्यों? और माँ आपको तो माँ जी की तबीयत का पता है, वो बेड रेस्ट पे, मैं उन्हें छोड़ के इस तरह नहीं आ सकती। लेकिन बेटा इस वक्त मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तुम अपनी माँ जी से इजाजत लेकर थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तुम आ जाओ, फिर बताती हूँ तुम्हें सब। जी ठीक है, मैं पूछती हूँ माँ जी से। बस ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा रिदा। अच्छा, मैं आती हूँ। आप परेशान ना हो, आप प्लीज टैबलेट ले लें ब्लड प्रेशर की। मैं पहुँचती हूँ, आ रही हूँ। खुदा हाफिज़। माँ जी ये जरा करना मेरा कुशन ठीक। जी बस बस, हाँ पता नहीं कब ठीक होगा ये पाँव। क्या बात है बेटा? वो मेरी अम्मी का फोन आया था, मुझे लगता है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मिलना चाहती है मुझसे, बुला रही है मुझे। तो जाओ ना, पूछ क्यों रही हो? शुक्रिया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं तुम्हें जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर मुझे काम पड़ा ना, मैं समरा को फ़ोन करके बुला लूँगी। फिर जरीना तो है ना मेरे पास। अगर आप कहें तो समरा मुमानी को फ़ोन कर दूँ मैं? नहीं नहीं मुझे बुलाना होगा तो मैं बुला लूँगी, कोई ज़रूरी भी नहीं है। जी ठीक है। जीशान को बता दिया? जी वो उन्हें फ़ोन करी थी मैं, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे मेरा। तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँगी उसे। कैसे जा रही हो? माँ कैब में चली जाऊँगी। हाँ ठीक है तुम जाओ, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। थैंक यू। जाओ इत्मीनान। जी ठीक है अम्मी। जरीना माँ जी को चाय दो, उनका ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। माँ जी आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाए, मैं पूरा माँ जी का ख्याल रखूँ। ठीक है।